हाल ही में एक दवा लॉन्च की गई थी जिसका नाम था क्रोनिल। पतंजलि की तरफ से यह दवा लॉन्च की गई थी जिससे यह दावा किया जा रहा था कि क्रोनिल कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसको लेके उत्तराखंड आयुर्वेदिक विभाग ने नोटिस भेजा कि उनसे जो लाइसेंस मांगा गया था तो उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि क्रोनिल कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। आयुष मिनिस्ट्री ने क्रोनिल को अप्रूव किया है बेचने के लिए, लेकिन उसमें कहीं भी ये लिखा नहीं हो सकता है कि क्रोनिल कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। उसमें सिर्फ ये लिखा रहना चाहिए कि क्रोनिल फॉर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। उसको लेकर आयुष मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया है कि क्रोनिल सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के लिए काम करेगा। उसमें उसके पैकेजिंग में ये नहीं लिखा रहना चाहिए कि क्रोनिल कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बहुत गलत किया है। उन्होंने जो लाइसेंस लिया था इम्यूनिटी बूस्टर के लिए लाइसेंस लिया था, तो फिर उन्होंने ये एडवर्टाइज TV पे क्यों कराया है कि क्रोनिल कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। पहले तो गलत कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया।